غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर क्या हश्र होगा तुम्हारे कबीले का, सोचना कभी इस बारे में। अगर तुमने कभी मेरे फैसले से इनकार किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आखिर तुम होती कौन हो मुझे धमकी देने वाली? अब मुझसे निकाह करने की जुर्रत कौन करेगा? वो जो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है और जान कुर्बान कर सकता है तुम्हारे लिए, वो शख्स तुर्कुत है बेटी। अय्यूबी लश्कर हमारी सरहद की जानिब पेशकदमी कर रहा है। अर्तुरुल और अमीर सादातीन को मारने की मुझसे ज्यादा ख्वाहिश नहीं होगी तुम्हारी। अगर हमने उन्हें मार दिया तो सुल्तान किले की ईंट से ईंट बजा देगा। बादशाह ने एक कमानदार को मुकम्मल इख्तियारात देकर भेजा है। उन्होंने आपके नुमाइंदे के जरिए अमन मुज़ाकरात की दावत भेजी है। सुल्तान, ऐसा लगता है कि शहंशाह किले को बचाने के लिए मुज़ाकरात पर आमादा हो चुका है। यकीनन ऐसी सूरत हाल में वो कोई भी शराइत कबूल कर लेगा। सुल्तान, शायद यही बेहतर साबित हो। वेसिलियस की मौत, आपकी यहां मौजूदगी और शाही लश्कर के यहां पहुंचने के खौफ ने बादशाह को मजबूर कर दिया है सुल्तान, लिहाजा इस सूरत हाल से फायदा उठाने का यही सही वक्त है। वो खौफ सदा ही साफ जाहिर है, लेकिन इस सूरत हाल में उनसे सख्त शराइत को मनवा कर अमन को यकीनी बनाना बेहतरीन अमल होगा। तुम्हारी क्या राय है सादतीन? सुल्तान, इस वक्त जबकि हमारा लश्कर दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार है, हम अपने किसी सिपाही को मैदान में उतारे बगैर फतह हासिल कर सकते हैं। मजीद ये कि लागू किया जाने वाला महसूल हमारी रियासत की बहबूद और आबादकारी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। सुल्तान, महसूल लगाने से साजिशें नहीं रुकेंगी, क्योंकि कारा जैसार किले पर उनका कब्जा है जो हमारी फतह को किसी भी लम्हे शिकस्त में तब्दील कर देगा। ठीक कहा अर्तुरुल साहब ने, जब तक हम इन फितनों का सद्देबाब नहीं कर देते हमें सुकून नसीब नहीं हो सकता। सबसे अहम मामला अय्यूबियों की तरफ से होने वाले हमलों को रोकना है। सुल्तान, लश्कर तकसीम करने से दोनों महाजों में बैक वक्त कामयाबी नहीं हो सकती। अमीर सादतीन की तजवीज को मानकर महसूल को बढ़ा दिया गया तो उन्हें दोबारा ताकतवर होने का वक्त मिल जाएगा। वो इस वक्त शिकस्त खुर्दा है सुल्तान, यही वक्त है फतह का। हम शिकस्त के बाद उन्हें दोबारा ताकतवर होने का मौका नहीं देंगे अर्तुल साहब, और आप उन तक पहुंचने वाली कुमक की रसाई रोकेंगे। मुझे आप पर, तुर्क सरदारान और आपके बहादुर जंगजुओं पर पूरा भरोसा है। फिल वक्त हम अमन मुआहिदा तस्लीम करके उनसे निजात के लिए बेहतर वक्त का इंतजार करते हैं। मैं आपकी इजाजत से
معاہدے کی تکمیل کے لیے قلعے جانا چاہتا ہوں سلطان معظم. تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معاہدہ صرف محصول کی ادائیگی تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ضروری ہے کہ بادشاہ کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ یہاں ہماری اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا. سردار اعلی کی حیثیت سے اور آپ کی اجازت سے قلعے جانا چاہتا ہوں میں بھی. اعلی اجازت ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دونوں اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. भाई तुम्हें ऐसा तैयार करूंगा जो भी तुम्हें देखेगा बस देखता ही रह जाएगा. भाई हर खातून तुम्हारी वजाहत से मुतासिर होगी और मेरे भाई असलियान खातून तुम्हें देखते ही हर चीज देखना भूलकर तुम्हें दिल दे बैठेगी. माशाल्लाह मेरा भाई माशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. माशाल्लाह मेरा भाई अब तैयार है. खुश रहो. बहुत शुक्रिया. ترگت بھائی خیریت؟ میرے بھائی میں نے کہا تھا نا تم سے جو تمہیں دیکھے گا دیکھتا رہ جائے گا اسے ہی دیکھ لو. کیا بات ہے گنگت؟ ہاں گنگت بھائی خرگوش کی طرح کیوں کھڑے ہو جیسے لومڑی دیکھ لیو تم نے. ترگت بھائی کو دیکھ رہا ہوں میں ماشاءاللہ. ایسے مت دیکھو نظر لگاؤ گے کیا. اسی لیے تو ماشاءاللہ کہا ہے بھائی. ہاں جب دمرل سلطان معظم کے لباس میں آیا تھا تب بھی ماشاءاللہ کہا تھا تم نے. کتنی مشکل سے جان بچائی بیچارے نے. سب خیریت ہے گنگت؟ ارطغرل بھائی نے کہا کہ فوراً روانہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا تو پھر وقت ہو گیا بھائی جاؤ تم. اللہ پاک تمہارے راستے آسان فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے ہماری ریاست کو بڑی مصیبت سے بچا لیا. اگر آپ نکولس کو نہ مارتے تو وہ معاہدے کے لیے آنے والے ترکوں کو مار دیتا. تم سمجھ چکی ہوگی کہ میں کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا. مکتوب کے مطابق تو آپ کل پہنچنے والے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے. اس بے وقوف کی وجہ سے سلطان کا لشکر ہمارے اس قلعے پر قبضہ کر لیتا اور تم بادشاہ کی طرف سے دیے گئے اس قلعے کا اختیار کھو دیتی. اور ترل مجھ سے میرا سب کچھ چھین چکا ہے. مجھ سے زیادہ کسی کو بھی انتظار نہیں ہوگا اس کی موت کا اور ترک قبائل کا اس خطے سے نام و نشان مٹانے کا. میں نے بادشاہ کے لیے جان دینے کی قسم کھائی ہے. جتنا میں جانتا ہوں تم نے ترکوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی ہے. ٹھیک کہا نا میں نے کترینہ؟ میں اتنا جانتی ہوں کہ ترک کبھی اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہ ہی ہمارے بادشاہ اور نہ ہی آپ جیسے کماندار کی اس بارے میں کوئی دوسری رائے ہونی چاہیے. ویسیلیوس تم پر اتنا اعتماد کیوں کرتا تھا؟ اب بات سمجھ آئی ہے مجھے. اس کی تعظیم کا ثبوت میری کوکھ میں ہے. بادشاہ کے لیے میں اپنی اور اپنے بچے کی جان بھی قربان کر سکتی ہوں. تمہارے مکتوب نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا ہے اور تم نے انہیں قائل بھی کر لیا ہے کہ تمہارے بغیر ترکوں کو شکست دینا مشکل ہے. ریاست کی خاطر اور بابا کے اس قلعے کے لیے میں سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ وقت آنے پر تم اپنا کنجر ترکوں کے سینے میں آر پار کر دو گی. سچ کہا نا میں نے؟ بھروسہ رکھیں کماندار ایرس. اس سرزمین کو ترکوں کے ساتھ بانٹنے والے مظلوموں کی آخری امید ہے آپ. خداوند حفاظت کرے آپ کی. ارطغرل آسان ہدف نہیں ہے تم جانتی ہو. یہ صلیبی ویسیلیوس اور تمہارا شوہر اورال سب کچھ معلوم ہے آپ کو. ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں. تمہاری سوچ سے بھی کہیں زیادہ. اور تم پر بھی میری نظریں ہیں اے کترینہ. خود کو ثابت کرنا پڑے گا تمہیں.
अब जाओ तुम, कमांडरों से कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। जन्नत में हमारे अजीम बाप बुजदिल दुश्मन से महफूज फरमा, और अंदरूनी गद्दारों से भी जो बहरूप बदल कर आए, दुश्मन के हाथों शिकस्त के बजाय बहादुरी की मौत नसीब फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहां आकर आपने हमें इज्जत बख्शी। खुश आमदीद हाइमा खानम। शुक्रिया मेरी बच्ची। हलीमा, औताक में खुश आमदीद तुर्गुत साहब। बहुत शुक्रिया असलियान खातून। तशरीफ रखें, बहुत दूर से आए हैं, खाना तनावल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हम अपना रिस्क बांट रहे हैं, इसी तरह हमारे गम और खुशियां भी साथ हैं। दोनों कबाइल के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि यह ताल्लुक खैर और बरकत के रिश्ते उस्तवार करके मजीद मजबूत हो जाए। हम खुशी से हर उस चीज का इस्तकबाल करते हैं जो अपने साथ खैर लेकर आती है। हम जानते हैं बेटी, इसीलिए हम यहां बिला झिझक चले आए, और इंशाल्लाह हम खुशखबरी के साथ लौटेंगे। इंशाल्लाह। असलहान खातून, तुर्गुत और आप दोनों ही मेरे लिए बहुत अहम है। मामला साफ है। एक तरफ आलियार साहब की अमानत कबीले की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ दोनों कबाइल की खुशहाली और बका है। असलहान खातून, मैं चाहता हूं कि तुर्गुत और आप एक दूसरे के शरीक हयात बन जाएं। मैं ये भी चाहता हूं कि किसी दबाव के बगैर अपना फैसला सुनाएं आप। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस कबीले की हिफाजत और बका है। अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी पूरी उम्र इस कबीले में गुजार कर अपनी नस्ल को फलते फूलते देखना चाहती हूं। यहां तुर्गुत, क्या कुछ कहना चाहोगे तुम? सरदार आलियार जंग में हमारे साथ रहे, चावदार कबीले के जंगजुओं के हमरा हमने दुश्मन को भागने का मौका नहीं दिया। हम सब के लिए सबसे अहम, हमारा सबसे मुकद्दस मकसद और जिहाद था। काई कबीले की तरह चावदार कबीला भी मेरा अपना ही है। अपनी आने वाली नस्लों, अपनी सरजमीन और अपने खानदान के लिए खुद को वक्फ कर देना हर इंसान पर लाजिम है। मेरी जिंदगी उस शख्स की अमानत है जो अपनी जिंदगी इस कबीले के लिए वक्फ कर दे।
अल्लाह बरकत दे सुल्ताने मौसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अर्तुरुल और उनके जंगजुओं पर हमलावर वो तीरंदाज कौन थे? अभी तक मालूम क्यों नहीं हो सका? जिस पर भी हाथ डालते हैं कोई नतीजा नहीं निकलता। हम खोज लगाने की कोशिश में हैं लेकिन काफी मुश्किलात हैं। गद्दारी सफों में सराइयत कर चुकी है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। या तो सल्तनत से गद्दारी करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे या फिर मैं। निजाम का तहफ्फुज और रियासत की बका हमारे अव्वलीन फराइज में शामिल है। जंग से वापसी के बाद महल के हिफाजती इकदामात का जायजा लूंगा, लेकिन एक बात मेरे लिए परेशान कुन है। वो क्या है? मंगोलों का खतरा। आपकी गैर मौजूदगी में मंगोल फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ हिफाजती इकदामात लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारी क्या तजवीज है इस बारे में? उनकी महारत तस्लीम करता हूं। अर्तुरुल सरदार इस मुहिम के लिए सबसे मौजू हैं। मंगोलों से जंग में उनका तजुर्बा हमसे ज्यादा है। नोयान जैसे वहशी को भी उन्होंने ही लगाम डाली थी। उन जैसा बहादुर जंगजू मंगोलों को जिसने बदतरीन शिकस्त से दोचार किया था वो सिर्फ और सिर्फ अर्तुरुल सरदार हैं। दुरुस्त कहा तुमने सादतीन, बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन अर्तुरुल साहब की मगरबी सरहद पर अदम मौजूदगी से रियासत को ज्यादा नुकसान होने का खदशा है। ऐसी सूरत में आपकी इजाजत से मैं ये फराइज अंजाम दे सकता हूं। बिल्कुल परेशान ना हो आप सुल्तान। आपको सरदार अर्तुरुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। इस मामले पर मैं कल अर्तुरुल साहब से बात करूंगा, क्योंकि तुर्क कबाइल का इत्तेहाद और अम भी बहुत अहमियत रखता है। असलेहान खातून के अपने कबीले में रहने की वजह भी तुम जान चुके हो यकीनन। सुल्तान, असलेहान खातून की ख्वाहिश है कि वो बजाते खुद अपने कबीले की सरदार रहकर जानदार साहब की अमानत की हिफाजत करना चाहती है। वो उस कबीले की वाहिद उम्मीद है। उस कबीले से ये उम्मीद छीनने की हरगिज कोशिश मत करना सादतीन। सुल्तान, रियासत के लिए तुम्हारी ये बेमिसाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया। असलेहान खातून, सब कुछ खुले दिल से कहा मैंने, कोई जोर कोई जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह के हुक्म और अपने पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक मैं तुर्गुत से आपका निकाह करना चाहता हूं। रजामंदी है आपकी? मुझे आप पर और आपके भाई तुर्गुत पर पूरा भरोसा है सरदार अर्तुरुल। राजी हूं मैं।
अल्लाह मुबारक करे मेरी बच्ची। माशाल्लाह। माशाल्लाह तुर्कुत, अल्लाह तुम्हारे दिलों को हमेशा आबाद रखे, हमारे दीन रिवायात और कबाइल को जिला बख्शने वाली औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन। खुशहाली मुकद्दर बने, कबीला फूले फले, अल्लाह आफियत अता फरमाए। कोई भी अगर तुम्हारे खेमे की तरफ बुरी नजर से देखेगा तो वो नजर मेरे खेमे तक महसूस होगी। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ आ जाए तो उससे पहले मेरा सामना करना होगा। मैं चाहता हूं कि यह निकाह जल्द हो जाए। मेरी ख्वाहिश है कि यह निकाह बदनजरों की आंखों का पर्दा बने और तुम्हारे खेमे की हिफाजत करे, तुम्हारी खुशियां और नस्ल हमेशा कायम दायम रहे। आमीन आमीन आमीन। मैं आज से आपकी मंगेतर असलेहान नहीं बल्कि चाफदार कबीले की सरदार असलेहान हूं, और आज हमारा रिश्ता खत्म। अब अगर चाहे मेरा नसीब कबीले में रहकर मौत को गले लगाना है, कबूल है मुझे। असलेहान, तुमने जिंदा दरगोर कर दिया है मुझे। अमीर हजरत, असलेहान खातून के बारे में खबर लाया हूं। क्या खबर? अर्तुरुल साहब, हाइमा खानम, हलीमा सुल्तान और तुर्क सिपाही आज चावदार कबीले में मेहमान हैं। अल्लाह खैर करे। या अल्लाह, वजह मालूम नहीं अमीर हजरत। जा सकते हो। अब कौन सी नई चाल चल रही हो अर्तुरुल? यहां से हर हाल में जाना होगा अर्तुरुल। तुम्हें अपनी तमाम तर साजिशों के साथ जाना होगा। तुम्हारा जंग पे जाना मेरे दौर का आगाज होगा और मेरी जंग की इब्तिदा होगी। हाँ, आराम से बैठो। ये लो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। ये लो। शुक्रिया भाई। मेरे भाइयों, तुर्गुत के निकाह की खुशी ने मुझे बहुत मुतमईन कर दिया है। मैंने सोचा इस खुशी के मौके पर तुम सबकी ज़ियाफ़त का एहतमाम करूं। हफ्सा खातून ने अपने हाथों से खाना बनाया हम सबके लिए।
समसा भाई, क्या आज हम बकरियों का चारा खाएंगे? आहिस्ता बोलो, कहीं वो सुन ना ले। तुमने तकल्लुफ किया है भाई, अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया हफ्सा खातून। मेरे भाइयों, पहले खाना चख लो, फिर तसल्ली से दिल खोल कर तारीफ करना। बमसी, मैं आप लोगों के लिए मछली बनाना चाहती थी। हम बहुत मछली खाया करते थे, लेकिन यहाँ मछली मिलना मुश्किल है। कोई बात नहीं अफसा बहन, जो मौजूद है वही खा लेंगे। हाँ बिल्कुल। मजा आ गया। नेकिया में हमारा दस्तरखान तरह तरह की जड़ी बूटियों से भरा होता था। ये खाने में लजीज होती हैं और हाजमा भी अच्छा करती हैं। यखनी में मैंने मसाला भी डाला है। आपकी रिवायती यखनी की तरह नहीं है ये, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाओ मेरे भाइयों। बिस्मिल्लाह। मैंने इतनी लजीज यखनी आज तक नहीं पी। वाकई भाई, आज से पहले ना जाने हम क्या खाते रहे। शुक्र है कि पसंद आ गई आपको। बमसी, मैं बानो झिझक के पास जा रही हूँ, आपको ख्याल रखना है इनका। फिक्र मत करें अफसा खातून, मैं अपने भाइयों का पूरा ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र होकर जाए। तकल्लुफ ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। भाई हलक में फंस जाएगा तुम्हारे। अरे बंसी भाई, खाना बहुत ही लजीज है, कितने खुश नसीब हो तुम। अरे भाई, तुम्हें तो पता है मैं कितना खाता हूँ, हफ्सा खातून मेरे लिए एक नेमत है। भाभी ने बहुत ही लजीज खाना बनाया है भाई। हाँ भाई, हम तो इसे जानवरों का चारा समझ रहे थे। क्या लगता है, तुम खुद किसी जानवर से कम हो क्या गुनगुन भाई? मेरे भाइयों, अल्लाह ने तरह तरह के इंसान पैदा किए हैं ताकि हम एक साथ रह सके। हर कौम के अपने अपने पकवान और जायके होते हैं मेरे भाइयों। हमें चाहिए कि हम दूसरों के पकवान की भी इज्जत करें। तुरगत भाई के मामले का ना जाने क्या हुआ होगा। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो अच्छी खबर के साथ लौटेंगे। अरे मेरे भाई, अर्तुरुल भाई जहां मौजूद हो तो बुरी खबर आ सकती है क्या? जवाब हाँ ही आएगा यकीनन। अब बस आखिरी काम करना रह गया है। वो क्या है भाई?
कल काराजे एसआर के लिए जाना है भाइयों। फजर की नमाज के बाद रवाना होंगे। खाओ खाओ मेरे भाई। अरे माशाल्लाह। खाना यहां से कहीं नहीं जा रहा है, जानवरों की तरह मत खाओ, आराम से खाओ। किसी रियासत के लिए इससे जिल्लत का मकाम क्या होगा जिसने अपनी आंखों के सामने ताकतवर दुश्मन को कमजोर जाना महज ये सोचकर कि वो चरवाहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस शिकस्त का कसूरवार किसको ठहराऊं, अपने अहमक दोस्त को या चालाक दुश्मन को। अर्तुरुल सरदार, आओ मेरे किले में दौलत समेटने, गुरूर के साथ दिखाओ अपनी कमजोरी और तय करो अपना अंजाम। कमांडर एरिस, अर्तुरुल साहब और अमीर सादतीन तशरीफ लाए। मुहाफिजो, अर्तुरुल सरदार। अमीर सादतीन, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत नाम सुना था मैंने, आज मुलाकात भी हो गई। बहुत बहादुर जंगजू हैं आप। मेरी जंग शोहरत के लिए नहीं, इंसाफ के लिए है। यह भी सुना होगा तुमने। हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन मकसद एक ही है अर्तुरुल सरदार, इंसाफ। मैंने हमेशा बहादुर दुश्मनों की कदर की है, उनमें से एक आप भी हैं। हमारे मकासद दिन और रात की तरह मुख्तलिफ हैं अरेस। जिसे तुम इंसाफ समझते हो वो जुल्म है, और जुल्म को रोकना मेरा नस्बुल ऐन है। वाह, ये बात भी हमें मुश्तरक करती है। जालिमों के साथ बेरहमी अच्छा रहेगा हमारा साथ। अमीर सादतीन नीकिया, में आपका बहुत नाम सुना है, कमाल जहानत रखते हैं आप। बहुत शुक्रिया। तो फिर आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा यहां से। रहनुमाई फरमाई हमारे मेहमानों की। जरूरत नहीं इसकी, पहले भी आ चुका हूं इस किले में। मैंने अपने कबीले में रहने और आखिरी सांस तक अपने कबीले की खिदमत के लिए अमीर सादतीन से अपना रिश्ता खत्म कर दिया है।
काई कबीले के साथ हमारे इत्तेहाद को आगे बढ़ाने और उनसे खूनी रिश्ता उस्तवार करने के लिए तुर्गुत से निकाह का फैसला किया है मैंने। इंशाल्लाह ये निकाह दोनों कबाइल के लिए खुशियों का बायस होगा। अल्लाह मुबारक करे। आपको बहुत मुबारक हो असलेहान खातून। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये खुशखबरी पूरे कबीले में सुना दीजिए ताकि सबको मालूम हो जाए कि मैं तुर्गुत के साथ बहुत जल्द निकाह कर लूंगी। हमारा सफर तवील है और मसरूफियात बहुत ज्यादा। हम यहाँ नीकिया की जानिब से पेश की जाने वाली तजवीज सुनने आए हैं। सलजूक रियासत की जानिब से अमीर सादतीन, काई कबीले के सरदार और सलजूक रियासत के सरदार आला अर्तुरुल साहब। बादशाह की जानिब से मुजाकरात के लिए मुझे नामजद किया है। एकत्रीना भी बादशाह के हुक्म के मुताबिक हमारे साथ मुजाकरात में शामिल होगी। हम लोग यहाँ मुआहिदा करने आए हैं। ख्वाहिश है कि नतीजा दोनों के लिए बेहतर साबित हो। नतीजा बिल्कुल साफ है। तजवीज बताओ फौरन। हमारी तजवीज आपके और हमारे सिपाहियों की जानें महफूज करने के लिए है। नीकिया की रियासत अम्न की कीमत चुकाने के लिए तैयार है। नीकिया की रियासत जो महसूल सलजूक सल्तनत को सालाना अदा करेगी उसमें 1.5 लाख सोने और 50,000 चांदी के सिक्के होंगे और तिजारती रास्तों से भी आपको हिस्सा दिया जाएगा। जंग खत्म हो जाएगी और हमारे लोग अमन से जिंदगी गुजारेंगे। जब तक अमन बरकरार रहेगा महसूल अदा किया जाता रहेगा। आला, नीकिया की रियासत बहुत सही है, मुझे मालूम है। यह आपको मालूम होना चाहिए कि सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात कितने ज्यादा बहादुर और रहमदिल हैं। आपके महसूल के बदले में आपकी जान बख्श दी जाएगी और आपको किले में रहने की मुकम्मल इजाजत होगी। तो इसका मतलब मुआहिदा मुकम्मल हुआ। यह तुम्हारी तजावीज थी आरिस, हमने जवाब नहीं दिया। कहना क्या चाहते हैं आप? मुट्ठी भर सोने से तुम सिर्फ लातीनियों को राजी कर सकते हो, लेकिन हम यहां सोने के लिए नहीं आए। क्या मतलब है आपका? सलजूक रियासत को तुम हर साल 3 लाख सोने के और 4 लाख चांदी के सिक्के महसूल दोगे। किले के दरवाजे तुर्कों समेत तमाम मुसलमानों के लिए खुले रहेंगे। किले से तिजारत में मुसलमान किसी भी तरह का महसूल या सूद अदा नहीं करेंगे। तमाम तिजारती रास्ते तुर्क कबाइली गिरोह की निगरानी में रहेंगे। किले के अंदर तुम्हारे सिपाही कम तादाद में होंगे, तादाद का तायुन हम करेंगे। किले में रहने और तिजारत करने वाले तुर्कों और मुसलमानों के सरमाए की सलजूक रियासत हिफाजत करेगी और उसकी वाली होगी। ये नाकाबिले कबूल है। तुम्हारी नियत मुजाकरात की नहीं बल्कि किले पर हमले की लगती है। अर्तुरुल साहब, इन तजावीज का मतलब है कि किला आपके हवाले कर दें। हमारी बात मुकम्मल हो चुकी है। बेहतर है कि इन तजावीज को कबूल करें, वरना हम
तुम पर आसमान गिरा देंगे, पहाड़ पिघला देंगे और इस किले को रेजा रेजा कर देंगे। रुकिए, अर्थरुल साहब, आपके मुतालबात बहुत सख्त हैं, हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं अभी यहीं हूं, बस इतना ही वक्त मिल सकता है। दरवाजा खोलो। हो गया है ये, समझता है कि हम मजबूर हैं, बेबस हो चुके हैं बिल्कुल, जो कहेगा मान लेंगे। अगर किले को अपने अख्तियार में रखना है तो इसके अलावा कोई चारा नहीं। उसकी शराइत मानने के बाद हमारा क्या अख्तियार रह जाएगा? पहले अख्तियार देंगे एक कतरीना, उसके बाद सब्र करेंगे हम। क्या इरादा है तुम्हारा, आखिर करने क्या आए हो तुम? मुआहिदा करने आए हम यहां, मुजाकरात की कोशिश कर रहा हूं अमीर हजरत। तुम यहां मुजाकरात करने नहीं बल्कि सब कुछ बर्बाद करने आए हो। तुम्हारे मुतालबात पूरा किला हासिल करने के मुतरादिफ हैं। मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा ही है अमीर हजरत। अगर उन्होंने मुतालबात नहीं माने अर्तुरुल, तो हम ऐसी सूरत में महसूल की वसूली से भी जाएंगे। फिर हम सुल्तान के लश्कर के साथ आएंगे और किला फतह करेंगे। क्या सुल्तान मुअज्जम का लश्कर अय्यूबियों से नबर्दाश्मा होने के लिए मशरिक की तरफ नहीं जा रहा? क्या तुम ये नहीं जानते? मैं जानता हूं अमीर हजरत, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते। इन्हें लगता है कि हमारा लश्कर इनकी सरहद की जानिब आ रहा है। सिर्फ महसूल की वसूली तय करके लौटे तो यह हमारी शिकस्त होगी। तो तुम्हें सियासत करने का बहुत शौक है, लेकिन तुम ये बात याद रखना अर्तुरुल, अगर ये मामला तुम्हारी हठधर्मी की वजह से खराब हुआ तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद ही यहां पहुंचा हूं अमीर सादतिन, अब उस कीमत की वसूली का वक्त है। मुझे उम्मीद है वो कीमत अच्छी होगी इंशाल्लाह। हलीमा सुल्तान, मुझे बहुत खुशी है, इंशाल्लाह तुर्गुत भाई और असलियान खातून के निकाह की तकरीब जल्द मुनक्कित होगी इंशाल्लाह। ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा उन दोनों के लिए, तुर्गुत भाई आइकिस के बाद बहुत तन्हा हो गए थे। इंशाल्लाह दोनों एक दूसरे के दर्द को समझेंगे। मोहब्बत इंसान को खूबसूरती से जीने का सलीका सिखाती है, दिलों का इत्मीनान और रिश्त में बरकत का सबब बनती है। दुरुस्त कहा आपने हलीमा सुल्तान, मुझे भी जीने का हौसला दिया है मोहब्बत ने। दुआ है कि अल्लाह कबीले की हर लड़की का नसीब अच्छा करे। आमीन। बमसी ने तुर्गुत भाई को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, जब भी मौका मिलता उनके पास चले जाते ताकि तुर्गुत भाई तन्हाई महसूस ना करें। अब वो इतनी आसानी से उनके पास नहीं जा पाएंगे हफ्सा, तुर्गुत भाई चावदार कबीले मुंतकिल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, चावदार कबीला करीबी तो है।
आना जाना लगा रहेगा। बिल्कुल सही कहा। खवातीन इस निकाह के लिए हम पर भी भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। तकरीब जल्द होगी और काम भी बहुत ज्यादा है। हम साथ मिलके काम निपटा लेंगे। मैंने देखा था जब मेरा निकाह हो रहा था तब आप लोगों ने कैसे एक दूसरे की मदद की थी। शुक्र है कि अब मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह सारे काम खुश उसलूबी से अंजाम पाएंगे। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाए वो उसे पूरा करेगा। खवातीन हमें असलिहान खातून के जहेज के लिए सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। उन्होंने बहुत मुश्किलात झेली हैं। कबीले की जिम्मेदारियों के दरमियान उन्हें इसका वक्त नहीं मिलेगा। दुरुस्त। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा उसके पास जाना उसकी हिम्मत बढ़ाएगा। चलते हैं फिर, बहुत सारे काम करने हैं हमें। चलिए। बिस्मिल्लाह। आपके मुतालबात हमें अंदरूनी और खारजी मामलात में बेबस कर देंगे, लेकिन अमन के फरोग के लिए हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है। जो आप चाहते थे वो हो गया है अर्दुरुल सरदार। क्या आप तमाम मुतालबात कबूल करते हैं? जी बिल्कुल, तमाम मुतालबात। लेकिन एक मुतालबा मेरा भी है। जिंदगी का मुतालबा कर सकते हो बस। हमारे मुतालबात बगैर किसी ताखीर के मान लो अगर, तो हम भी तुम्हारा मुतालबा पूरा करेंगे। अर्तुरुल साहब, गुस्सा समझ सकता हूं आपका। इस जंग में दोनों जानिब से कीमती जानों का नुकसान हुआ है। अगर इस मुआहदे का पास ना रखा गया तो हम दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्या चाहते हो तुम? एतमाद, बस एतमाद चाहता हूं मैं। आज तक जिसने भी आपसे दुश्मनी ली वो चांद से गया। सिमोन, टाइटोस, वैसिलियस, इन सब ने सिर्फ एक ही चीज को नजरअंदाज किया है, ईमान। मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। ईमान की अहमियत अगर समझते हो तो गलत परचम तले मौजूद हो। इस वक्त न तुम और न तुम्हारा साथ देने वालों पर एतबार है मुझे, लेकिन यह याद रखना कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर तुमने जुल्म किया तो किसी को माफ नहीं करूंगा। जुल्म बुजदिलों की ढाल है अर्तुरुल साहब। मैं दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा। मुआहदे की तकमील के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक महीना है। जो जरूरी है वो किया जाएगा। मैं आपकी शरायत और मुतालबात का जाती तौर पर ख्याल करूंगा। सबके लिए यही बेहतर होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। याद रखना, वैसिलियस की तरह कोई जाल नहीं बिछाना। वैसिलियस ने आपको कमजोर जाना, इसीलिए हम इस हाल तक पहुंचे, मगर यह गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। एकातरीना के पास
वो कासित उस तक अर्तुरुल की मौत का फरमान ले जाएगा। अर्तुरुल को जान से मारना बाप की जिम्मेदारी है कमांडर एरिस। अर्तुरुल की मौत आपके ही हाथों लिखी है। ये खंजर आपके लिए है, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वा अशहदु